सो इंट्रो तो दो भाई आप अपने चैनल का। अरे तू भी इंट्रो दो वरना अपन खत्म हो जाएंगे। तो एक चैनल पे तो वीडियो डालने को मौत आता है मेरे को, और बोल रहे दूसरा चैनल को नहीं। वो तो सुबह आप ड्यूटी पे जाते हैं ना 5 बजे, तो वो ड्यूटी बंद हो जाए इनका तो सब ठीक है। तो गाइस हम लोग किधर जा रहे हैं दीक्षांत भाई? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #watchrealcontent। तो आपको रियल कंटेंट का देने की खोज में हम लोग निकल गए नाइट ड्राइव पे। हमारे साथ दीक्षांत भाई आ रहे, इधर तुषार भाई है। तुषार भाई बहुत बिजी रहते हैं। पापा नहीं हूँ अपन किसी के भी पापा नहीं हो, बस बराबर है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी तो ब्रिज पे इधर बोरीवली के पास ही। दीक्षांत भाई के और दोस्त भी आ रहे हैं ना दीक्षांत भाई? आज पे हमारे पास कुछ था नहीं करने को, और दूसरा कल कुछ है नहीं वीडियो डालने को, तो सोचा एक नाइट राइड। नाइट क्यों, कल कॉलेज नहीं है? मैं कॉलेज जाता हूँ तो भाई ब्लॉग नहीं बनाता। तो अभी तो आगे बहुत बड़ा जर्नी है, तो आगे बताते हैं। अभी कौन कौन आ रहे हो तो बताओ। अपन तीन तो है, मैं हूँ, मेरे साथ में इधर है प्रेम भाई, पीछे तुषार भाई। तुषार भाई जरा आगे लाइट में आगे बात करो। आगे थोड़ा लाइट का फोकस ज्यादा थोड़ा। और बताओ। ओहो देखो, ओहो हाथ छोड़ के देखो। दीक्षांत भाई कब आएगा आपका? जब तुम मेरा पैसा दे दोगे वापस। अच्छा कब दे रहे हो पैसा आप वो बताओ। ये देखो मैं टाइम तो अभी मैं कुछ बोलता, बट हम लोग को रियल कंटेंट बनाना है, तो देखते हैं क्या होता है अपने साथ। बराबर ना दीक्षांत भाई? ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ मेरे को लगता नहीं है डालने वाले हैं, मेरे से मेहनत करवा रहे हैं। एक चीज भी कट नहीं करूंगा बस। पर वो चौथा बंदा हो तो दिखाया नहीं आपने, दिखाओ ना भाई बिंदास, अगर कोई है तो बताओ। झूठ मैं कभी नहीं बोलता हूँ भाई, ये ध्यान रखो। झूठ ना मैं सुनना पसंद करता हूँ ना बोलना। ये कट कर दूंगा। तो भाई की तरफ से गिव अवे रहेगा। आज हम लोग देखो गाड़ी में मतलब F1 का इंजन लगाने वाले, बॉडी किट तो अपना लेम्बोर्गिनी का है ही, और बाकी का देखते हैं फिर मसई वाले क्या बोलते हैं आगे। मसई वाले नहीं, भाईंदर वाले आ रहे हैं। अच्छा भाईंदर वाले आ रहे हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र आ रहे हैं जो 3 महीना वेस्ट बंगाल में थे, और 3 महीने के बाद आज मुलाकात होगी हमारी उनसे। बराबर वो आए, उनका फोन आया था कि दीक्षांत भाई मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। मैंने कहा आ जाओ, सिर्फ मिलेंगे नहीं आज घूमने जाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला लाए नहीं होंगे हमारे लिए, तो देखते हैं अभी आपको आगे जाके पूरा जर्नी बताते हैं। इधर ही पूरा वीडियो बना दोगे आप, कौन देखेगा? तो अभी तक हम बोरीवली, हां अभी तो हम लोग बोरीवली ईस्ट पहुंचे। दीक्षांत भाई किधर पहुंचे? हम लोग पहुंचे टाटा पावर। टाटा नहीं, वो किधर टाटा पावर किधर आया? वेस्टर्न एक्सप्रेस आया। अच्छा अच्छा, बोरीवली ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जिसको बताए वो कमेंट कर देना। राइडर भाई तो आज पैसा बहुत है हमारे पास। दीक्षांत भाई 1500 का बना रहे, कल उनका ड्यूटी भी है ना सुबह, तो है ना दीक्षांत भाई। और आज कल भाई शूज पहनने लगे, बोलो। अरे कैंसिल हो गया क्या? कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। जो कंफर्ट है भाई वही सही रहेगा। अच्छा तुषार भाई, जो बंदा स्लीपर पहनते थे अभी शूज पहनते हैं। एक भी बार मैंने स्लीपर नहीं पहना रखा, जो भी है सैंडल में ही रहता हूँ। जो भी है देखते हैं। तो अभी 1500 का डीजल भरा है, लोनावाला तक तो जाके आ सकते हैं हम लोग आराम से। तो अभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, हमने अभी तक सिर्फ 5 ही किलोमीटर क्रॉस किया है। क्यों तुषार भाई? देखो राइडर कहाँ चला गया, ड्राइवर ड्राइवर हमारे क्या हो भाव भाई? बोरीवली वेस्ट से ईस्ट आने में 5 किलोमीटर से अभी तक अपन 5 घंटे क्यों लगाए? अपने और दोस्त आ रहे ना, बंगाल से इधर आने में 3 महीना लगा है भाई। लगता है उनको तो लिखा था नहीं भाई कहाँ? अरे मैं बोल रहा हूँ, तो ये आदमी सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए दुनिया में, बाकी इसका दूसरा कुछ काम नहीं है। सुबह से शाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे बारे में बुरा बुरा बोलते रहता है, और बाकी ये तुषार भाई हंसते रहते हैं। तू हो गया वो झूर, कौन सा बाबा था तारक मेहता में, वो जैसे वो जेठाला करता था ना। हाँ जी बबीता जी चलेगा, चलेगा। तो
तो अभी हम लोग रुके हमारे दोस्त के लिए, वो लोग कब आएंगे पता नहीं। आज हम लोग देवल भाई को बहुत मिस कर रहे हैं और रस्ते के वाले लोग बहुत खुश है वो लोग आज। आज हम चैन से सो सकते हैं वो लोग। देवल भाई गए उधर जलंधर। तो कितने साल बाद आपके दोस्त लोग आए? नॉर्मल 4 महीने के बाद आए ये लोग। 4 महीने के बाद ये लोग नहीं सिर्फ आलिम भाई। तो भी आगे चलते हैं, हमारे साथ विकी भाई भी जुड़ चुके हैं। मिलाया नहीं विकी भाई, क्या बोलते भाई? तो चलते चलते हम लोग रिक्लेमेशन तो पहुंच गए। चलते चलते किसको दौड़ाते? गाड़ी को पागल की तरह। रस्ते में रोड रैश खेल रहे थे दीक्षण भाई। एकदम स्लो स्लो है भाई। एकदम भाई नहीं नहीं रैश ड्राइविंग चल रहा था भाई। एकदम रैश एकदम। मतलब मैं आपको बोलूं ना, i20 वाले को कुछ मर्सिडीज वाला F1 चलाता ना वो दूसरा गाड़ी को क्या नाम था मेरे को याद नहीं था भाई, नाम याद नहीं आ रहा भाई। नहीं नहीं बोरियली ईस्ट वाले के सब राइडर का नाम मत बोलो भाई। हम लोग इधर सिर्फ रियल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। रियल कंटेंट ना। दूसरा गाड़ी कौन चला रहा था? तो साथ साथ में कैसे बोल रही है? आलिम भाई का ये राखी है कि चेन है, बहुत चमक रहा है भाई हाथ में। गोल्ड का ब्रेसलेट है भाई, 4 महीना बंगाल में रह आए भाई। दीक्षांत भाई का आशीर्वाद रहेगा तो सबको गोल्ड मिलेगा। वो तो है, गोल्ड और बाइक पे ग्राउंड राउंड नहीं मिल रहा है। नहीं भाई का राउंड नहीं मिल रहा भाई। भाई टेनर मैंने चला रहा है, स्टेशन चला रहा है, कहां देखो मिल भाई। ये कौन है? प्रकाश है भाई। ये हमारे ये वो निंजा वाला है। निंजा वाला हमारे पायलट 650 यार। पायलट तो ट्रेन में जा रहा है तो बिल्ली उठा लेता है भाई। हाइट छोटी इतना डीमोटिवेट करते ना ये। पहले एक बार मेरे को लगा भाई ये मोटे होगा, अचानक से पतले कैसे हो गए। दूसरे दिन मेरे को डबल एक्सेल का टी शर्ट पहना था, उसके लिए सिंगल एक्सेल लार्ज पहन देते। ये कौन सा है? हाँ डबल एक्सेल बोले ना, दिखाओ ना डबल एक्सेल बोले। हाँ। कौन सा है भाई? इनका खाना कहीं और जा रहा है। ये मेड इन बोरीवली ईस्ट एक्सेल। तो एल ए तो ये बस जो यहाँ पे प्रथा होती है बूस्ट पीने की वो सब पियेंगे दीक्षांत। मैं तो नहीं पी सकता भाई। हाँ, आपका कल तो सीधा सुर सनराइज के बाद। सनराइज के बाद चलेगा क्या इनका? इनका है वो प्रदूषण। तो भाई इधर एक एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे देखो, मतलब ये है पसाट या तो जेटा जो भी है, बट इसका आगे से हालत देखो पूरा रिक्शा पलटी हो गया। और इसका आगे का जो पूरा बम्पर है ना वो तो किधर और ही है। मतलब देखो, मतलब क्या स्पीड में रहेंगे सब, क्या पता। वही समझ में नहीं आ रहा है कि चले गए। और ये गाड़ी भी इधर का नहीं, एपी रजिस्टर्ड है। आगे से पूरा हालत हो गया है। पता है चाबी ले गए। अच्छा लोग भाग गए हैं ऐसे लग रहा है। और ये लोग भाग गए, मतलब देखो ये यहाँ का है भी नहीं एपी रजिस्टर्ड, और ये लोग भाग गए देखो। और मैं अभी आपको रिक्शा दिखाता हूँ, रिक्शा का हालत देखो आप। ये देखो गाड़ी का, रिक्शा का हालत पूरा। पूरा सीधा आ रहा था। आपका ही रिक्शा है? नहीं नहीं अच्छा आपने देखा ना, मतलब पूरा रिक्शा का हालत देखो आप। मैं जब गाड़ी खोला मैं बोला क्या ऐसा नहीं था, तो चार देखो तो दे रहे थे ऐसा बोले। हाँ चार लड़के लोग थे, ठोक के भाग गए। इसके रिक्शा के अंदर कोई था नहीं ना, इसमें कुछ हुआ? भाई बेचारे का तो पूरा खत्म हो गया रिक्शा देखो। इतना नुकसान हुआ है इनका देखो, मतलब यार क्या
क्या बोलने का। और काटर रोड है और बूस्ट ना भी ऐसा नहीं हो सकता ना दीक्षांत भाई। पर मैं नहीं पी रहा हूँ ना भाई। हाँ उसका हमको बहुत दुख है बट क्या कर सकते हैं। विकी भाई यहाँ पे, तुषार भाई और ये बाकी उनके सब दोस्त, ये प्रकाश भाई, ये आलिम भाई, ये हाय दोस्तों भाई मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ निशान भाई के महीनों मतलब सालों बाद समझ लो अब तो भाई। चार महीने बाद बंगाल में 600 एकड़ का जमीन है इनका, 15 करोड़ का बाप रे। मैं चारों ऐसे दोस्त मुझे भी मिले तो इनकम टैक्स वाले तक ये बात पहुँचे। नहीं नहीं मैं सिर्फ मेरा वीडियो वायरल कर यहाँ पे बूस्ट मस्त हमारा मुन्ना भाई भाई को टैग कर। कॉपीराइट आएगा। तो अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है वरना हम लोग एंड हो जाएंगे। देखो अब वहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो दीक्षांत भाई चलो आपका चालू कर दो स्क्रिप्टेड लाइन। तो सब आओ बोलो बोलो कुछ बोलना है तो आलिम भाई बस चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। फोटो